फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज सुबह सुबह बनाने जा रही हूँ सेम सेम और आलू की सब्ज़ी। सबसे आसान विधि मैं बनाने के लिए बताऊँगी। इसमें कोई झंझट नहीं लगती है, सिर्फ आप सिंपल तरीक़ों से बना सकते हो। और इसमें डलने वाली सब जो सामान है वो मैंने काट रखा है। प्याज है, टमाटर है, मिर्ची, लहसुन भी टब में रख ली हूँ। और इधर देख सकते हैं चावल बन रहा है, दाल हमारा पहले से ही बन चुका है। दाल बन के हो गया रेडी, तो हमने दाल को रख दिया। और उसके बाद से हमने सेम को बॉईल करने के लिए रख दिया है। हमने एक कटोरी पानी पहले ही डाल दिया था और एक कटोरी पानी हमने अभी डाला। और उसमें नमक वमक डाल के हमने ढक दिया है। तो अभी हमारा सेम बॉईल हो गया था, तो उसके बाद से हमने ये दाल की तड़के की तैयारी कर ली। दाल की तड़के लगा देती हूँ, उसके बाद से फिर सब्जी में छौंका लगाएंगे। तब तक बने रहिए, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू देखिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में वही नॉर्मल मसाले जो डेली यूज़ करते हो, वही मसाले हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे बॉयल देख सकते हैं आप, मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो अब और ये देख सकते हैं आप लोग, तेल छोड़ना भी मसाला शुरू कर दिया है और अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने सेम ऐड किया, उसके बाद से आलू। और इसको अच्छे से मिक्स करके 2-4 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो अभी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और उसके बाद हम थोड़ा पानी वानी डालेंगे। और मैं ये बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आप लोग की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे नई हूँ, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। और अब मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकने लगी, क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी रोटी सेकने लगी। और आप लोग देखिएगा, मैं इस रोटी डायरेक्ट गैस पे नहीं सेकूँगी, मैं तावे पे ही इतनी अच्छी रोटी हमारी फूलेगी। क्योंकि हमारे गांव में ऐसे ही रोटी बनाया जाता है, और यहाँ शहरों में लोग डायरेक्ट चूल्हे पे लगते हैं सेकने। तो वो चूल्हे वाली रोटी ना बहुत नुकसान भी करती है, पर ये हेल्थ के लिए अच्छी है। तो अभी हमारा रोटी भी बन गया था, तो हमने रोटी में घी लगा दिया। घी लगा के रख दी कि रोटी खाने के टाइम तक अच्छे से रहेगी, मुलायम रहेगी। और तब तक देख सकते हैं इधर हमारा सब्जी भी बन गया। तो अब हम इसको बंद करेंगे। देखते हैं, देख रहे हैं सब्जी देखने में कितनी अच्छी दिख रही है।